तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो V11 Pro के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीवो का कोई भी फ़ोन है उसमें आप ये ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। ट्रिक्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करते हो तो यहाँ पर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। तो बैकग्राउंड में आप अपनी फ़ोटो कैसे इनेबल कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, और यही नहीं सेटिंग्स में ही नहीं, आप गाइस कोई भी एप्लीकेशन रहे, डायलर रहे, वहाँ पे आपकी फ़ोटो शो होने लगी। जैसे आप देख सकते हैं व्हाइट कलर शो हो रहा है, इसकी जगह आपकी फ़ोटो शो होगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मैसेज बॉक्स हो या फिर यूट्यूब ही क्यों ना हो, गाइस सारी जगह आपकी फ़ोटो शो होने वाली है। ठीक है, तो कैसे आप इनेबल कर सकते हो आज की इस वीडियो में आपको यही मैं बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करनी है। ओपन करने के बाद कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पर करनी है। सेटिंग्स क्या वो मैं बता देता हूँ। ये सबसे फर्स्ट में आपको मिल जाएगा ग्राइड ओवल, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। और यहाँ पर एक मिल जाएगा, इन दोनों टिक इनेबल कर देंगे। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर मिल जाता है मेकअप ओवल, तो इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं ये वाला, तो इस पर इनेबल करके अपनी फोटो क्लिक कर लेनी है जो आपको लेनी है लगानी। ठीक है, उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे मिल जाता है कलर पिक्चर। तो गाइज आपको कलर का जो है एक बार इस पर क्लिक करना है और इसको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद गाइज आपको एक काम और करना है, जो ओपेसिटी है इसको बढ़ा लेना, जितना आपको रखना है उस हिसाब से आपको रख लेनी है। ठीक है, जितने आपको अपने हिसाब से सेट करनी है। अगर गाइज अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर देखिए, ठीक है, अब गाइज आपको क्या है कि ये आपको दिख रहा होगा, ये निशान कलर को आपने इनेबल कर लिया। तो उसके बाद आपको ये जो है ना, आपकी इतनी पूरी जाना का आपको कलर चाहिए जब फोटो के, वहाँ पर आप इस टाइप से आपको कर देना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आपके बैकग्राउंड में जो है इस फोटो के कलर आपको शो होने लगेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पूरे में कर लेना जितने फोटो आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, कलर वाले जो ऑप्शन है इसको ऑफ कर देना है। और गाइज यहाँ पे मिल जाएगा नीचे ऑप्शन आपको स्क्रीनशॉट डिटेल्स, तो इसको भी इनेबल कर लेना है, अलाउ कर देना है। उसके बाद गाइज आपको इसको कुछ नहीं करना है, कट कर देना है। कट करने के बाद गाइज देखेंगे कि यहाँ पे आपकी फोटो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम इसके फोन की सेटिंग्स की। तो गाइज आप देख सकते हैं फोन की सेटिंग्स में भी जो है हमारी फोटो बहुत ही अच्छे से शो हो रही है और काफी अच्छी लग रही है। अब गाइज हम यहाँ पे कलर इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कि कलर कितना रखना, ओपेसिटी को कितना रखना चाहते हैं, हल्की वारी डाउन, ठीक है, वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से आपको रख लेनी है। तो अभी आप देख सकते हैं गाइज कितनी प्यारी है इमेज लग रही है हमारे बैकग्राउंड में, सेटिंग्स के ऑप्शंस भी दिख रहे हैं और यहाँ पे हमें इमेज भी शो हो रही है और काफ़ी अच्छे से ये वर्क करेगी। ठीक है, अब गाइज बात कर लेते हैं कि गाइज अगर हम यूट्यूब देखेंगे तो यूट्यूब पर भी ये हमारी वीडियो देखते टाइम शो होती है। ठीक है, मान लीजिए हम कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो मान लीजिए ये वीडियो हम चलाए तो गाइज हमारी ये फोटो यहाँ पे भी शो हो रही है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के लिए सिर्फ उतनी देर के लिए ये आपको एक ऑप्शन ऑफ कर देना है, मॉकअप ओवरले, तो इसको ऑफ कर देना। इससे क्या होगा कि पिक जो है वो डिलीट हो जाएगी और उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं और वीडियो देखने के बाद आप फिर से इसको इनेबल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और काफ़ी अच्छा ये लगता है। ठीक है, और अभी सेटिंग्स भी देख सकते हैं, सेटिंग्स में आपकी जो फोटो है अच्छे से शो हो रही है, प्लस आपके सेटिंग्स में तो हो ही रही है शो गाइज। ठीक है, और सेटिंग्स के साथ साथ गाइज आपको यहाँ पे भी मिल जाती है, डायलर रहे या फिर कोई भी चीज़ रहे आपकी, प्ले स्टोर तक रहे, तो हर जगह आपकी ये फोटो शो होगी और काफ़ी अच्छी है लगेगी देखने में। तो आई होप को आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।